नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। आप लोगों के पास कई न्यूज़ आ रही हैं जिसमें से आप में से कई लोगों ने मुझे लगातार मैसेज और कमेंट किया। इन दो दिनों के बीच में जब क्लास आपकी ऑफ थी, आप सभी ने लगातार मैसेज किया कि मैम क्या हमारी मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा अटक जाएगी, लटक जाएगी, क्योंकि ये भर्ती जो आपकी है ये आपकी कोर्ट में जा चुकी है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप में से कई लोगों ने पेट की परीक्षा दी है और कई लोगों का मैसेज आ चुका है कि उन लोगों का शायद ग्राफ एंड टेबल्स या किसी और भी चीज़ की वजह से पेपर अच्छा नहीं हो पाया जितना अच्छा होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था मुख्य सेविका भर्ती से अच्छी परीक्षा आपकी कोई आपके लिए हो ही नहीं सकती। अगर आप इस भर्ती परीक्षा में एलिजिबल हैं तो आप सिंसियरिटी से ऑनेस्टी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि पद भी बहुत अच्छे हैं और लोग भी बहुत कम हैं जिनसे आपका कॉम्पिटिशन है। ठीक है, क्या है पूरा मामला मैं बताती हूँ आपको। लेकिन उसके पहले अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। सारे टॉपिक्स मैं डेली कवर कराती चली जा रही हूँ, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही साथ जो भी बुक मार्केट में आती है, चाहे विद्या पब्लिकेशन की बुक हो या फिर आपकी यूथ प्रकाशन की बुक हो, उससे भी मैं कंसल्ट ऑटोमेटिकली कर लेती हूँ। जो मुझे लगता है कि उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको वहाँ डेली दे देती हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, आप लोगों का विश्वास शायद बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैंने पेट के टाइम में दोस्तों कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई थी। जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे वो हमेशा बोलते थे कि मैम आप इतना कम कंटेंट प्रोवाइड करती हैं और बाकी लोग, बाकी चैनल वाले 9-9 घंटा 8-8 घंटा पढ़ाते हैं। तो आप एक चीज़ सिर्फ क्वेरी के लिए बोल रही हूँ, आप लोग चेक करने के लिए देख सकते हैं, हिस्ट्री की मैराथन मैंने बनाई थी, पॉलिटी की मैराथन बनाई थी, इकोनॉमिक्स की बनाई थी, आपकी करंट बनाई थी, आप जाके जनरल अवेयरनेस बनाई थी, आप देख लीजिए 15-15 मिनट की मैंने जनरल अवेयरनेस की आपकी वीडियो बनाई थी, कैपिटल और उसके क्या कहते हैं डॉलर, उसके करेंसी से रिलेटेड। आप देखिएगा उस 15 मिनट की वीडियो में चारों शिफ्ट का 4 क्वेश्चन आ गया है कि नहीं। इसी तरह अगर हम बात कर लें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की मैं नहीं कहूँगी 10 के 10 क्वेश्चन आ गए, लेकिन हर शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके उसी 1 घंटे की वीडियो में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में कि आपको जो छोटा सा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी आ रही जो इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जैसे कि मेरा इस कंटेंट को आप वो करने के लिए कि नहीं ऑथेंटिक चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, इसके लिए बोल रही हूँ कि एक बार आप पेट की चीज़ें देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ क्या मामला है। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा है, यहाँ भी देख लीजिए स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको, मुख्य सेविका के पदों पर भर्ती के मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब। ये जैसे आया नहीं, लोगों ने शुरू कर दिया अफवाह कि मुख्य सेविका की भर्ती की परीक्षा लटक गई है, यूपी की कोई भर्ती परीक्षा हो नहीं सकती, बहुत चीज़ें शुरू हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मामला क्या है इसमें, इसमें मामला ये है कि इसमें जो आवेदन निकला है ना 2693 पदों के लिए, तो वहाँ पर अभी 126 पदों पर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर देखिए, 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका काम कर रही याचियों के पद भी शामिल थे। वो याची जो है 126 जो है वो 2003 से, उनका बताया जाना है कि 2003 से वो काम कर रही है, 2018 हो रहा है लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया, यानी कि परमानेंट नहीं किया गया है। उसी चीज़ को लेकर वो लोग वो हैं और साथ में 75 और लोगों की याचिका की सुनवाई है, वो लोग वहाँ पे गए हैं याची के तौर पे अपना ये लेकर कि हमें नियमित किया जाए। तो ये मामला अलग है और आपकी भर्ती परीक्षा अलग है। ये जो 126 लोग गए हैं ये इनका अलग का मामला है, अलग चीज़ों का मामला, मतलब ये कि उनको अपने परमानेंट करना है कि जब इतनी वैकेंसीज हैं अभी 2600-2700 वैकेंसीज हैं, तो अगर इसका मतलब क्या कहते हैं विभाग में अगर काम है अभी लोगों की ज़रूरत है तो हमें ही परमानेंट क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। इसके साथ इसका कुछ ऐसा रीज़न है कि उनके पास जो एक मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी पैरामीटर्स होना चाहिए, शायद वो उनके पास पूरा नहीं है, इसी की वजह से उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। यानी कि इन लोगों की जो भी डिमांड है उससे मतलब नहीं है, इसका मतलब खाली ये है आपकी मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भर्ती लटक नहीं रही है, ये जैसे आपकी होनी थी वैसे ही होगी। एग्जाम के लिए आप लगातार पूछते हैं दोस्तों, देखिए दिसंबर से जनवरी तक एग्जाम जरूर जाएगा आपका, इसलिए जाएगा क्योंकि अक्टूबर तक तो आप कुछ हो नहीं पाएगा। नवंबर में अगर आपको शॉर्टलिस्टिंग का वो आएगा डेट और आपको मेन का एग्जाम का फीस भरना होगा, कम से कम 1 महीने तक का टाइम दिया जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली दिसंबर आ जाएगा फिर आपको डेट बताई जाएगी। तो दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपका एग्जाम जाएगा, उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, टाइम काफ़ी है, बस आपको क्या करना दोस्तों लग जाना है और ईमानदारी से लगिएगा। देखिए मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना, मैंने पेट के टाइम में बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना काम किया, कंटेंट प्रोवाइड किया। आप में से कितने लोगों ने उस कंटेंट को पढ़ा तो आपका फ़ायदा हुआ और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपका नुकसान हुआ। ऐसे ही मुख्य सेविका का मैं काम अपना कर रही हूँ, ऑनेस्टी से आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट सब करा रही हूँ। अब आप उस चीज़ को कितना रिवाइज करते हो कितना पढ़ते हो ये आपके ऊपर है। तो सिलेक्शन लेने के दोस्तों टीचर का एफर्ट तो होता है लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का ज़्यादा एफर्ट होता है। अगर मैं 1 गुना मेहनत करूँगी तो 4 गुना मेहनत आपकी होगी। ठीक है, आप लोग जितना हो मैं पढ़ाती रहूँ, चलूँ पढ़ाते चलिए,
रिवाइज करते चलिए, साथ ही जब फाइनल हमारा हो जाएगा वो वाइंड अप ना, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पूरे 100 क्वेश्चंस की करेंगे, वो तो हम करेंगे, लेकिन अभी आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और डेली की डेली जो क्लासेस हो उनको अटेंड करिए, साथ ही पढ़ते चलिए, रिविजन करते चलिए, और जो भी बुक्स आपके पास हो मुझे बता दीजिए, नहीं हो तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको, जो भी फोटोकॉपी है जो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।